का स्वागत है फारेंगेट कंप्यूटर एजुकेशन एक चैनल पर। आज हम सीखेंगे गूगल मैप पर अपनी शॉप का नाम या घर का नाम कैसे डालें। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल क्रोम पर, और गूगल क्रोम पर जाने के बाद में सबसे पहले हम अपनी आईडी लॉगिन करनी होगी, जो भी आपकी आईडी होगी। और लॉगिन करने के बाद में आप चले जाएंगे गूगल जैसे हम मैप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैप खुलकर आ जाएगा। और नेटवर्क स्लो है, कभी घर का नाम या शॉप का नाम जो भी है उनको डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको जहाँ भी उसको डालना है उसका नाम सर्च करेंगे कि हमें जगनेर में जिस लोकेशन में आपको अपनी शॉप का नाम डालना है उस लोकेशन को सेलेक्ट सर्च करने के बाद में ये हमारा एरिया आ चुका है जगनेर। इसको लेयर्स पर क्लिक कर लेंगे, और इसमें क्लिक करते हुए इसको जूम कर लेंगे। मान लीजिए आपका जो घर है किस लोकेशन के अंतर्गत आता है उस लोकेशन पर जाएंगे आप। क्लिक करें, तो जगनेर में आपका घर किस साइड में है। मान लीजिए आपका इंस्टीट्यूट का आ रहा होगा यहाँ पे, यह आपका त्राया है और जगनेर का ही रूट है ना, ये रहा आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका एड्रेस। तो ये रहा, पहले हॉस्पिटल वाली गली में था, अब हम मान लो यहाँ पे आ गए हैं इस साइड में, कैनरा बैंक से थोड़े से आगे हैं। तो राइट क्लिक करके उस जगह को फोकस करेंगे किस बिल्डिंग में आप रह रहे हो, तो उस बिल्डिंग को सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए बिल्डिंग वो आपकी समथिंग समथिंग ये वाली है, तो आप करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद में आपको क्लिक करना होगा एड अ मिशन प्लेस। उसके बाद आपको तो संस्थान का नाम या अपने घर का नाम लिखना होगा। यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जगनेर आगरा। और कैटेगरी यहाँ पर हम डालेंगे जिस कैटेगरी का है, आपका स्कूल है या इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्लिक करेंगे, और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको जाना डन करना होगा। उसके बाद आपको जाना होगा थ्री डॉट्स पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा योर कंस्टिट्यूशन पर क्लिक करना होगा। और जैसे आप योर कंस्टिट्यूशन पर क्लिक करते हैं तो आपने जितने भी कंस्टिट्यूशन किए हैं वो सभी आपको दिखाई देंगे। आप एडिट पर चले जाइए, कहाँ जाना होगा आपको एडिट में। अभी हमने जस्ट आपके सामने देख पा रहे हैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जगनेर नाम से डाला था और पेंडिंग दिखा रहा है। कुछ समय बाद अप्रूवल हो, देखो ऑटोमेटिक जस्ट अप्रूवल आपके सामने हो गया है कि आपका इंस्टीट्यूट यहाँ पर है, और अप्रूवल भी उसने कर दिया। जब तक गूगल मैप आपका अप्रूवल नहीं करेगा आप वहाँ पर उस जगह को अप्रूवल नहीं कर सकते, उस जगह को शो नहीं कर सकते। ऐसे करके हम लोग अपना नाम या कोई भी चीज़ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं।